अगर आप किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और वो आपका प्लान प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली हो और वहां पर आपकी क्लोजिंग हो, तो उसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं और उससे आपको काफी ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितने भी सारे लोग अगर ये 5 चीजें करते हैं बिजनेस प्लान दिखाते समय, मीटिंग लेते समय, तो उनकी वो मीटिंग का क्लोजिंग जो है वो रेशो बढ़ जाता है और वहां पर काफी सारे लोग उस बिजनेस मीटिंग से आकर्षित हो जाते हैं। और जितने भी लीडर है वो यही काम करते हैं, जिसकी वजह से आज उनका बिजनेस दिनों दिन ग्रो करता जा रहा है। तो आप भी अपने, चाहे 1-to-1 हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे आपका बिजनेस मीटिंग हो, आप ये चीजें जरूर करें। तो वो चीजें क्या क्या है उसको हम एक एक समझते हैं, और अगर ये करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। तो आपको यहाँ पर 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीजें करके आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला, नंबर 1, एंटरटेनमेंट करिए। अगर आप बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, लोगों के साथ कॉमेडी करिए, एंटरटेनमेंट करिए, उसमें सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसे आपकी बात सुने जिसके उसके चेहरे पर हंसी आ जाए, मुस्कुराने लग जाए, खुश हो जाए, तो वहां पर वो व्यक्ति आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान देगा और आपकी बातों को गौर से सुनेगा। और जब कोई व्यक्ति बातों को गौर से सुनता है तो वहां पर फिर क्या है, रिजल्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इंटरटेनमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशल कॉमेडी करना है या आपको जो है बहुत ज्यादा कॉमेडी किंग बन जाना है, नहीं, लेकिन आपको कुछ ऐसी बात करनी है या कोई ऐसी स्टोरी सुनानी है जिसकी वजह से सामने वाले की हंसी निकल जाए। आपको कॉमेडी करके इंटरटेनमेंट लोगों को करना है, मतलब हंसाना है लोगों को। तो जितने भी सारे लीडर है वो बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं या मीटिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा वो क्या बात करते हैं कि वो एंटरटेनमेंट वाली बात करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे मीटिंग के अंदर या 1-to-1 के अंदर भी, तो क्या है, वो मीटिंग पूरी की पूरी बोर होने लग जाएगी। उस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं वो बोर होने लग जाएंगे और फिर आपकी बातों को सुनना वो लोग बंद कर देंगे। कई सारे लोग इधर उधर की बातें करना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आपने एंटरटेनमेंट रखा तो सारे के सारे लोग आपकी तरफ नजर गड़ाए हुए देखते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, शुरुआत एंटरटेनमेंट से करनी है ताकि लोग आपके साथ में कनेक्ट हो सके। नंबर 2, इमोशनली टच करना है। जितने भी लोग, या आप 1-to-1 कर रहे हैं या होम मीटिंग कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर जितने भी लोग हैं उनको आप अपने से इमोशनली टच करिए कि सर मैं भी पहले इसी तरह से जॉब करता था या इस तरह से कोई काम करता था, और धीरे धीरे जब मुझे ये बिजनेस मिला तो मैं काफी ज्यादा परेशान था, इसके साथ साथ मैंने काम करना शुरू किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आपको क्या करना है, इमोशनली टच करना है। किसी ऐसे सक्सेसफुल लीडर की आपको कहानी सुनानी जिसके वो अपने आप को रिलेट कर सके कि यार मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, जो मैं परेशान हूँ, अगर ये व्यक्ति यहाँ पर पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो आपको इमोशनली लोगों को टच करना है। नंबर 3, नीड पैदा करनी है। सामने वाले की जरूरत क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको हेल्थ चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको टाइम चाहिए, उसको घूमना फिरना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, या जो क्या पसंद है उसको, तो उसको रिलेट करवाई कि यहाँ पर आप अपने काम के साथ साथ टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, यहाँ पैसा आप अधिक कमा सकते हैं। अगर किसी के पास में समय बहुत है तो वो पैसा कमा सकता है, अगर पैसा है तो वो समय कमा सकता है, वो सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं, या सम्मान के लिए भी आप उनकी नीड पैदा कर सकते हैं। या हो सकता है किसी लोगों को सुरक्षा के लिए डर लगता है तो आप सुरक्षा के लिए बात कर सकते हैं, किसी लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है तो आप इंजॉय के बारे में बात कर सकते हैं कि इस बिजनेस से, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप एंजॉय भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको समय भी बहुत ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा सम्मान होगा, आपको यहाँ पर जितने सारे लीडर है उनको बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। तो आप क्या है, नीड पैदा करें ताकि वो इस बिजनेस की तरफ आकर्षित हो। अगर आप ये करते हैं तो आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली होगा और आपके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 4, डर पैदा करिए। अब डर पैदा क्यों करना है, कई सारे लोग करते हैं तो आप लोग डरा के बिजनेस कर रहे हो, नहीं, कभी कभी क्या होता है कि डराना इसलिए जरूरी है, जैसे छोटे बच्चे को मान लो कुछ चोट लग जाए या बुखार आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कि बेटा अगर ये नहीं करेगा तो तेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ये बहुत ज्यादा निकलने लग जाएगा, तो फिर उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डरा करके, या अगर वो मान लो सो नहीं रहा है तो उसको बताते हैं कि अगर सोएगा नहीं आबू आ जाएगा, हमारे बोलते हैं हाबू आ जाएगा, तो क्या होता है वो बच्चा फिर उसके डर के मारे वो सो जाता है। तो कुछ भी करने के लिए थोड़ा सा डराना भी जरूरी है। डराना का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में मान लो वो सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन अभी वो
मन नहीं हो रहा उसका निर्णय लेने का, तो आप बताइए कि सर आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आज सर देखिए ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आपको भी पता है सर जॉब का क्या हाल है, आज गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो बहुत मुश्किल से मिलती है, और लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको मर मर के जीना पड़ता है, वो उसकी गालियां खानी पड़ती है, टाइम पे जाना पड़ता है, छुट्टी ले ले तो नौकरी से निकालने का डर बना रहता है, तो कई सारी परेशानी है। अगर सर किसी कारण से अगर जॉब नहीं रही हमारे पास में, तो फिर हमारा क्या होगा, आपके पास में क्या इनकम सोर्स है? इसके अलावा आप डर पैदा करिए कि सर खर्चे बढ़ते जा रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई आने वाले समय में कम होने वाली नहीं है। तो सर जो आप जॉब कर रहे हैं 30,000-40,000 की, आपका जो इनकम बढ़ेगा, मान लो आपका खर्चा जो है 80,000 रुपए है और आपकी जॉब का जो सैलरी है वो 40,000 है, तो आप कैसे मेंटेन करेंगे सर? क्योंकि जॉब की जो इनकम है 1 तारीख को आती है, 10 तारीख को खत्म हो जाती है, बाकी पूरे महीने में एडजस्ट करके जिंदगी जीना पड़ता है। तो सर अगर आप यही जिंदगी अगर आप जियेंगे तो आगे आप देखो बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपकी मैडम जो अपने घर को छोड़ के आई है उसका फ्यूचर क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा? और चलो अभी तो जैसे तैसे करके गुजारा चल रहा है, लेकिन जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, तब आपके पास में क्या उपाय है? तो थोड़ा सा आप उनको फ्यूचर के बारे में बता करके आप थोड़ा सा फेर पैदा कीजिए इस बिजनेस को करने के लिए, तो वहां पर वो इफेक्टिवली आपके काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नंबर 5, कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि जो लोग बैठे हैं ना उनसे अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी मीटिंग बोरिंग हो जाएगी, और जो लोग बैठे हैं ना वो बोर होने लग जाएंगे, और बोर होने के बाद में वहां पर रिजल्ट का रेशो बहुत कम आता है, क्योंकि आप बात नहीं करेंगे ना तो सामने वाला क्या है कि उस बात को सीरियसली वो सुनेगा नहीं। और हमारी दादी जब बचपन में कहानी कहती थी तो हमें क्या कहती थी कि मैं कहानी कह रही हूँ लेकिन तुम्हें हुकार बढ़ना है, हुकार का मतलब है कि मेरा बातों का जवाब देना है बार बार में। तो अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ में कि क्या आप मानते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, और सामने वाला कहता है यस, इसका मतलब है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है और वो आपकी बातों को समझ भी रहा है। धीरे 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 जब आप पूरी चीजें क्लियर कर देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं, उसके बाद में कई सारे लोगों के सवाल होते हैं, और सवालों का जवाब देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सवालों का जवाब नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि वो व्यक्ति वहां से उठ के चला जाएगा, आपका बिजनेस प्लान सक्सेसफुली नहीं होगा। लेकिन सवालों का जवाब भी देने के लिए आपको तुरंत रेस्पॉन्स नहीं करना है, जैसे सामने वाले ने कोई क्वेश्चन किया और आपने तुरंत रेस्पॉन्स कर दिया तो फिर क्या होगा कि वहां पर वो व्यक्ति आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। जितने भी लीडर्स है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन जब उनके सामने आता है तो उसका तुरंत रिप्लाई कभी नहीं करते, उसके बारे में चुप रहते हैं और फिर बाद में उसका जवाब देते हैं, क्योंकि सामने वाले ने जब आपसे क्वेश्चन किया कि ये तो फालतू के काम है, ऐसे बहुत सारे काम आए, ऐसी कंपनियां आकर के चली जाती है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और ये तो आपके लूटने का काम है, ठीक है, यहाँ पर 2 लोगों को जोड़ना होता है और लोगों को 2 जोड़ो और आगे 2 जोड़ो, चेन बनाओ और ऐसा पिरामिड बनाओ, ऐसा सिस्टम है, तो आपको क्या करना है उसका जवाब उसी इमीडिएट आपको नहीं देना है, आपको क्या करना है सुनना है, पहले ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनने के बाद में क्या करना है उसको नोट करना है कि ठीक है आप बताइए क्या है आपका सवाल, अच्छा बहुत बढ़िया, और ठीक है, और वो व्यक्ति 4-5-6 सवाल के बाद में वो अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि उसके जो दिमाग में चल रहा है ना वो चलने के बाद में वो 6 सवालों तक रुक जाता है, क्योंकि ज्यादा सवाल उसके पास होंगे मिना तब भी वो आपके साथ में डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि वो 4-5 ही मुख्य सवाल थे, कंपनी भाग गई तो ये कंपनियां बहुत आती है, ऐसे बहुत लोग आए चले गए, ऐसे सपने दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, ऐसे पूरे नहीं होते, तो 4-5 सवाल के बाद में रुक जाएगा। तो फिर आपको बोलना है मुस्कुरा के, सर बहुत बढ़िया, और आज आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्यों लगा, क्यों, क्योंकि उसको भी लगे कि यार बहुत अच्छा क्यों लगा, क्योंकि जो सवाल आपने पूछा है ना सर, ये सारे के सारे सवाल मेरे भी थे। उसको लगेगा कि यार ये तो मेरा ही बंदा है, मेरी तरह इसके सवाल है, लेकिन सर ये सवाल मेरे थे, आपके भी हैं, और आप एक बार दिमाग पे जोर डालिए कि शायद और भी सवाल निकल के आएंगे, तो सामने वाले का जवाब है नहीं सर यही सवाल है मेरे। तो अब आपका कम्युनिकेट करने का जो सिलसिला है अब शुरू होता है कि सर देखिए यहां पर जो है ना ये सारे के सारे सवाल मेरे भी थे जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, लेकिन मेरे को जो बताने आए थे, जो सीनियर मेरे को बता रहे थे, समझा रहे थे इस बिजनेस के बारे में, तो मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छा काम किया, मैंने उनकी बातों को बहुत ही गौर से और ध्यान से सुना सर। तो आप भी सर गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ।
अब आपका काम है उस व्यक्ति के साथ में उसके जो क्वेश्चन है उनका एक एक करके जवाब देना और उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा और उसके बाद में आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। तो ये पांच चीजें आप अगर बिजनेस प्लान दिखाते समय, मीटिंग करते समय अगर आप करेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। और आप ये करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए और क्या आप ये करते हैं, और करते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्त आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और हाँ, चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। और कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।